हेलो गाइस, ओके। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर अपना 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है, और उससे हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 7 है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम शुरुआत करते हैं। तो एक काम करो, कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग लगा लो, है ना, बढ़िया ढंग से पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है। तो हमने हेडिंग लगा ली यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मैंने दोनों बार सही में बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है सर? तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, हम उसे कहते हैं जिसके अंदर आप पूरी की पूरी चीजें जो है एक्स वाई प्लेन पे पड़ी, या फिर आप ऐसा समझिए कि ग्राफ से रिलेटेड आएगा ना, ये उस चीज को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, क्लियर। अब एक बार जो है मैं पहले आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देता हूँ, ग्राफ वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास ग्राफ के अंदर आप देखते हो कि ऐसे जो है दो एक्सेस बनाए जाते हैं, क्लियर। अब इसके अंदर ना, इसके डेफिनेशंस वगैरह बहुत ही बेसिक चीजें आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आते हो, मैं एक बार बस रिकॉल करवाऊंगा, चीजों को अपन लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, इसे हम ओ से नोट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स ओ, और इस साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखना हो तो लिख सकते हो आप लोग, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश is known as x-axis. इसे क्या कहते हैं? हम x-axis कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में इस साइड हम लिखेंगे कैपिटल y, ये हो गया y o, और ये क्या हो जाएगा y dash। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? The vertical line y o y dash, the vertical line y o y dash is known as y-axis। ये इतनी बातें जो है 9th क्लास में आपने सीख रखी थी। अच्छा, इसके अलावा हम ये चीज जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है क्या चीजें? तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन। इस चीज को यहां पर लिख लें कि हम ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन, मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम जो है ओरिजिन कहते हैं सर, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी बात, यहां पर हमें पता होगा कि इस साइड जो है पॉजिटिव नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और इस साइड में नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस टाइप का नंबर आ गया। ऊपर अगेन पॉजिटिव नंबर आएंगे, डेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड नीचे माइनस में दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो इस चीज को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं? हम एक्स वाई प्लेन। अब जब हम देखें एक्स वाई प्लेन को ध्यान से, तो हम ये समझ में आएगा कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, दोनों जो है इस एक्स वाई प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसके हर एक इक्वल पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। और ये जो है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, हर बार मैं ऐसे क्वाड्रेंट नहीं लिखूंगा, क्वाड्रेंट। 9वीं कक्षा में आप पढ़ गया होंगे ना, मान के चल रहा हूं आप पढ़ गया। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है अपना चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है सर। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, ये अपन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा और भी कोई चिन्ह मुन्नू बातें होते हैं ना, देखो ढंग से समझ लो पहले ना। इससे दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अगर मैं बात करूं पहला क्वाड्रेंट, तो ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली चीजें कितनी आ रही है, मतलब कैसी है? पॉजिटिव आ रही है सारे के सारे नंबर, और ये वाले भी कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो एक्स में भी पॉजिटिव होगा और वाई भी उसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। सेकंड साइड में देखें तो ये साइड आ जाएगा नेगेटिव, पहले एक्स एक्सिस लेंगे हमेशा और फिर वाई। तो एक्स एक्सिस कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो ये माइनस, और इसका वाई एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो इसका एक्स एक्सिस भी कैसा है? नेगेटिव, और वाई एक्सिस भी कैसा है? नेगेटिव। तो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस, क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्स एक्स क्वाड्रेंट देखो, अगर एक्स एक्सिस है ना, ये कैसा है? ये प्लस में है, और वाई कैसा है? माइनस में। तो ये हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। तो टोटल ऐसे जो है ये चारों के चार क्वाड्रेंट की साइन मैंने आपको बता दी कि प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और
प्लस माइनस, तो ये होता है हमारा ग्राफ जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब इसके अंदर पॉइंट की प्लॉटिंग वगैरह होती है जो मैं छोटे मोटे ना एक बार दिखा देता हूँ पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे की जाती है। तो जैसे देख लीजिए, जैसे आपको पॉइंट प्लॉट करने का चार अपन पॉइंट प्लॉट कर, जैसे ए पॉइंट दे रखा है 2.3 दे रखा है आपका ना, पॉइंट बी ले लो -2.3 ले लेते हैं ना, पॉइंट सी ले लिया अपन ने -2.-3 और पॉइंट डी लेते हैं 2.-3। सबको प्लॉट करने की कोशिश करते, सब एक ही पॉइंट लिया मैंने, पहला लिया है 2.3 यानी एक्स एक्सिस में। देखो ध्यान रहे इस चीज को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, नौवीं क्लास में आप इतना पढ़ के आओगे ना, नौवीं ऐसे तो नौवीं की बात ही नहीं करनी चाहिए, ऐसे तो आप लोगों ने पढ़ाई करी नहीं होगी। देखो फिर भी है ना, मैं तो काम स्टार्टिंग से बता ही रहा हूं, समझ आएगा, अच्छी बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है पहला, ये जो क्वाड्रेंट होता है ना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का सबसे पहला वाला पार्ट एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस से। तो मतलब ये जो टू लिखा है ना, ये टू आपको एक्स एक्सिस पर ढूंढना है, ये प्लस टू है भाई, प्लस टू एक्स एक्सिस में इस साइड मिलेगा, ये आपका प्लस टू हो गया, और वाई एक्सिस में कितना होना चाहिए 3, तो वाई एक्सिस में प्लस 3, तो प्लस 3 ऊपर मिलेगा, ये आपका प्लस 3 है और इसे कहां मिलाना है 2 पे। तो इस चीज को आप यहां पैसे लेके इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया जो एक्स में 2 है और वाई में 3, इसे पॉइंट ए बोलेंगे, दैट इज 2.3। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड दे रखा है पॉइंट बी, पॉइंट बी कितना होगा -2.3। अच्छा स्टार्टिंग में सबको लग रहा होगा सर तो बहुत आसान है, तो हमने कर रखा है ना बेटा, इंट्रोडक्शन है, ठीक है इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन जैसा ही होगा, ऑलमोस्ट बेसिक चीजें कवर करूंगा, ध्यान से देखना। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऐसे लगता है ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आपने पढ़ रखा तो आप इनटू टू की स्पीड में देख सकते हो, जिससे आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, ठीक है सर, बट देखना जरूर, क्योंकि नहीं देखोगे तो फिर वही बात ना, स्किप कर दोगे तो फिर तुम्हारे कंसेप्ट रह जाएंगे, क्लियर। अच्छा बी कोऑर्डिनेट कहते हैं बी -2.3 है, एक्स में देखो -2 यहां पे आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो -2 अपन यहां आ जाएंगे और वाई में 3 यानी ये तो अपन यहीं पर रहेंगे, ये पार्ट कुछ ऐसे आएगा, और इस चीज को जब आप इसे डाउन करोगे है ना, तो ये आपका हो जाएगा -2.3, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट ए था। पॉइंट सी कितना है सर, -2.3 है, यानी एक्स एक्सिस में -2 तो ये मिल गया और वाई एक्सिस में कितना -3, तो माइनस का 3 यानी ये चीज कहां मिलेगा, ये चीज आपको यहां मिल जाएगी, ये हो गया आपका -3। सभी को ये बात क्लियर हो गई क्या, चलो ई है तो हर पॉइंट सी है ना, पॉइंट डी कहां मिलेगा सर, पॉइंट डी प्लस में टू आ गया, अपन ये आ गया प्लस में 2 है ना, और कितना देखना है माइनस में, देखना अपने को -3 है ना, वाई एक्सिस -3, तो बेटा वाई एक्सिस में -3 ऊपर तो आएगा नहीं नीचे आएगा, ये रहा -3, इसको ऐसे करो, ये ऐसे करो है ना, ज्वाइंट कर दो, ये आपका हो गया पॉइंट डी, एक्स एक्सिस में +2 वाई एक्सिस में -3। तो इस प्रकार से आपको सभी के सभी पॉइंट जो है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने होते हैं। अच्छा सर कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं ना, जैसे ये पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट बी जो है दूसरे में आ रहा है, ठीक है पॉइंट सी तीसरे में आ रहा है, पॉइंट डी चौथे में आ रहा है, कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो एक्सिस क्वाड्रेंट में आएंगे ही नहीं, वो किस पे आ जाएंगे, एक्सिस पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो दो तीन पॉइंट और ले लो ना पी क्यू आर, तो पॉइंट पी हमने लिया जिसमें दे रखा आपको 2.0 है ना, और पॉइंट क्यू ले लो -2.0, पॉइंट आर ले लिया हमने 3.0 और पॉइंट एस ले लो आप 0.3 कर देते हैं, ऐसा करो 0.3 और इसे कर लो 0.-3, देखो ये पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं। तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस में कितना है 2, तो एक्स एक्सिस में मैं 2 पे आ गया, वाई में कितना जाना है 0, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पर रुक जाना है, एक्सिस में 2 आ गया, वाई में कहीं जाना ही नहीं है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा पी। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात एकदम बहुत ही ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट पार्ट जो आ गया जो आप देखने जाओगे, ठीक है पॉइंट क्यू प्लॉट करो, तो पॉइंट क्यू कैसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट क्यू के लिए आपको जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो पॉइंट क्यू कितना है -2.0 यानी एक्स एक्सिस पे -2 आ गया सर, वाई में कितना है 0, मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, अपन यही घर बसा लेंगे ना, तो बोरिया बिस्तरा डाल के यही घर बसा लिया, हो गया आपका पॉइंट क्यू। सभी को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, पॉइंट आर, पॉइंट आर कैसे प्लॉट करेंगे सर, पॉइंट आर में मतलब आपको एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए 0, तो भैया एक काम करो एक्स एक्सिस पे आ गया अपन 0 पे है ना, पहुंच गए 0 पे, वाई कितना है 3, तो 0 से लेके आप आ जाओ 3 पे, यानी ये वाला पॉइंट बन गया, तो इस पॉइंट को हाईलाइट करो, ये आपका पॉइंट आर हो जाएगा, क्या क्लियर हो गई क्या बात। अब पॉइंट एस 0.-3 यानी एक्स एक्सिस में 0 और वाई में कितना -3, 0 पे आ जाओ और -3 मिलेगा नीचे, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट एस हो जाएगा, क्या सभी को यह बात समझ में आई क्या। ये जो पी क्यू आर जो हमने पॉइंट बनाया है ना, ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं गिने जाते, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है,
ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऐसे इन पॉइंट्स को हम कहते हैं। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो है आप नौवीं कक्षा में पढ़ के आते हो, ठीक है सर, नाइन्थ के लिए इतना चीज बहुत पर्याप्त है। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या, अब यहां से जो है यहां से पहले वाला जो वीडियो वो नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, वो भी इसे वन टाइम रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो टेंथ का कंसेप्ट हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, लग रही है यार गर्मी बहुत तेज लग रही है। ठीक है, तो टेंथ का हमारा कंसेप्ट शुरू होता है डिस्टेंस। अब टेंथ के अंदर पढ़ते क्या है, टेंथ के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, ओरिजिन से है, तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरियां है ना, वो दूरियां हम निकालेंगे ना, जैसे तुम्हारे बीच में मेरे बीच में, मतलब मेरे बीच में तुम्हारे बीच में और समझो तुम्हारे बाजू वाले के बीच में एक दूरी है ना, तो वो डिस्टेंस निकालना है ना, कितनी दूरियां है। ठीक है सर, तो कैसे निकालेंगे है ना, चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। भाई दोनों के दोनों पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उस केस में डिस्टेंस बताओ कितना होगा, है ना। तो देखो मैं बहुत ही सरल भाषा में बता दूं, ये एक्स एक्सिस है हमारा एक्स ओ एक्स डैश, है ना, ये वाई हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, देखो अगर मान लो एक पॉइंट यहां है पॉइंट ए और ये पॉइंट यहां है पॉइंट बी, ठीक, तो कोऑर्डिनेट भी लिख लो, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मान लो कि एक्स वन है और वाई तो जीरो होगा और ये कितना हो जाएगा एक्स टू कॉमा जीरो। कैसे हुआ जीरो, कैसे हुआ सर? अरे भाई मैंने अभी जस्ट बताया ना, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि हम ना वाई में ऊपर गए ना नीचे गए, इस पे आने का मतलब क्या हुआ कि वाई जीरो है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट बनते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। एग्जैक्ट उल्टा, वाई एक्सिस पे आ जाओ तो एक्स जीरो हो जाएगा। देखो ये वाई एक्सिस पे ना पॉइंट आर, देखो पॉइंट आर के अंदर एक्स जीरो, बस ये चीज ऐसे होती है। क्लियर, तो ये दो पॉइंट बनाए हमने ऐसे, तो इनका डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, ठीक है, यहां पे जो एबी का जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा, वो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन और इनका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये सही है क्या, चलो चेक करके देख लो यहीं पे, जैसे ये पॉइंट टू है और ये पॉइंट कितना माइनस टू है, अब इनके बीच में अगर दूरियां निकालनी है मुझे तो आप एक बार गिन लो, देखो यहां से यहां गए एक, फिर यहां है दो, ठीक है, यहां पे ये दो, ये हो गया तीन और तीन से कितना हो गया चार। क्लियर, अगर मैं अप्लाई करूं ढंग से तो आप देख पाओगे मैंने क्या कहा, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो टू में से आप माइनस करो किसको, माइनस टू को, दिख रहा है कि आप माइनस माइनस प्लस टू, दो प्लस दो चार आ जाएगा। अगर मैं एक्स वन माइनस एक्स टू करूंगा तो क्या नहीं होगा सर, अरे वो भी हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू भी सही है। कैसे, वो भी करके देख लो, एक्स वन अगर ये है माइनस टू, माइनस टू में से माइनस करना मुझे कितना प्लस टू, कितना आएगा माइनस का चार, लेकिन मैंने कहा था मॉड लगा देना, कहा था ना, तो मॉड लगाने से माइनस चार क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, है ना। तुम भी अपने जीवन में ऐसा एक मॉड लगाओ, नेगेटिविटी हटाओ, माइनस चार को प्लस चार बनाओ, समझ आ गया ये। चलो तो यहां तक हम इन बातों को समझ गए, तो ये याद रखना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, अब सिमिलरली आप ऐसे ही देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, अगर यही दो पॉइंट एक्स एक्सिस की बजाय अगर वाई एक्सिस पे होते तो नो डाउट उसमें भी सेम फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक, मान लीजिए कि ये वाई है, इसे आप ओ कहेंगे, ठीक, और ये आपका हो जाएगा वाई डैश, दिस वन इज एक्स डैश और ये कितना है एक्स। तो मान लो एक पॉइंट यहां आ रहा है पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां आ रहा है पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, एक्स वाई एक्सिस पे है तो दोनों में एक्स जीरो हो जाएगा, एक में आप कह दो वाई वन और दूसरे में कह दो आप वाई टू, ये हो गए इनके कोऑर्डिनेट। अब जरा दोनों को अगर हम माइनस करें है ना, इनमें अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहां पे ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा आपका मॉड ऑफ वाई टू माइनस वाई वन या फिर मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू, दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है वैलिड है और पूरी तरह से सही है। चेक करके देख सकते हैं अपन, जैसे ये प्लस थ्री है और ये माइनस थ्री है, डिस्टेंस कितना है देखो ध्यान से, एक दो तीन फिर चार पांच और छह, चेक करके देख लो ना, y2 माइनस y1 है ना, तो y2 इसको लो माइनस थ्री, माइनस थ्री में से माइनस करेंगे किसको, प्लस थ्री को, तो कितना आ रहा है माइनस का सिक्स और मॉड लगा दोगे तो ये आ जाएगा प्लस का सिक्स। आप उल्टा चेक करोगे
है ना, वाई वन माइनस वाई टू, थ्री में से माइनस करो माइनस थ्री, तब भी इसका आंसर देखो आ रहा है प्लस का सिक्स। क्लियर है क्या? दोनों फॉर्मूले काम करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये चीजें जो है वर्किंग है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट, अब यहां से हम शुरू कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन समझते हैं। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला समझने से पहले इसमें एक और कंसेप्ट आता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। बस ये चीज जो है आप डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर जो है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वेश्चंस वगैरह का ना, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। मैं उसके पहले एक पॉइंट कंसेप्ट की बात कर रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको ये चीज यही बता देता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ, ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट हमने रैंडमली कह लिया पी, ठीक है। तो ओ क्या है, ओरिजिन हो गया, तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। पहले हमने क्या किया कि दोनों पॉइंट एक्स पे लगाए, दूसरे केस में दोनों पॉइंट वाई पे लगाए, तीसरे केस में आप एक पॉइंट ओरिजिन पे रखो और एक पॉइंट रैंडमली कहीं पे भी, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा। इसको आप ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, ये दिख रहा है, ये पॉइंट अगर x, y होता है, लेट्स से कि ये पॉइंट है x, y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर y, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा x। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, ओ पी ए कह लो इसको, दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा ना, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसमें जो हाइपोटेनस है वही तो ओपी अपना, यही तो डिस्टेंस है इनका। तो एच की जगह लिखो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना वाई, और बेस कितना एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ओपी, ओपी का डिस्टेंस कितना जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देख लेना। और ये फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो है आप डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 के क्वेश्चंस कर पाएंगे खुद से, ठीक है। तो ध्यान से देखना है लास्ट टॉपिक, इसको समझने के लिए बस आपको एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना पॉजिटिव ओरिजिन, और ये अपना एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया इतना। चलो अब इसको करने के लिए क्या करना है, आपको रैंडमली दो पॉइंट लेने, क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटी बना के देख ली है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब इसको आप ऐसे डाउन कर दीजिए, ऐसे हो गया, और इसको भी आप ऐसे डाउन कर दीजिए, ये भी ऐसे हो गया। नेक्स्ट इनको वाई एक्सिस पर भी ऐसे डन कर दीजिए, ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलो, तो वाई एक्सिस भी अपना हो गया, क्लियर। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख लो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखे हमने एक्स वन कॉमा वाई वन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। अब इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाए हैं उनके भी कोऑर्डिनेट लिखो, तो यहां पे एक्स वन है तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स तो सेम है, आगे पीछे नहीं जा रहा है ना, एक्स जितना था वही सेम है, तो एक्स वन और वाई कितना हो जाएगा जीरो। अगेन यहां पे एक्स में ना इधर गया ना इधर गया, एक्स तो वही रह गया, तो एक्स टू और वाई कितना हो जाएगा जीरो। सेम अगर हम यहां पर बात करें, इसको से ज्वाइन कर देना, तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप अगेन देख पाएंगे y के अंदर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y तो अपना y1 रहेगा, लेकिन x कितना हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया आपका जीरो कॉमा y1, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी y में ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो y का कोऑर्डिनेट वही रहेगा y2, है ना, लेकिन x जीरो हो जाएगा, तो जीरो कॉमा y2। क्लियर हो गया क्या? अब इन कंसेप्ट का यूज करके हमें इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, और हमारा पूरा आंसर आ गया। बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत ही छोटा सा, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें तो क्या हम ये डिस्टेंस बता पाएंगे क्या? हमने अभी जस्ट पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा कि अगर दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, पढ़ा था क्या? तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा, जो डिस्टेंस इनका यहां से लेकर यहां तक है, क्या वही डिस्टेंस इनका यहां पर भी होगा? मतलब ये जो बेस है, इस बेस का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या बात सबको समझ में आई क्या? अरे जल्दी बोलो यार, समझ में आ गया कि x2 माइनस x1, समझ आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या, अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना, तो जो डिस्टेंस यहां पे होगा क्या वही डिस्टेंस यहां पे आएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखो, तो दो पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उनका डिस्टेंस कितना होता है, देखो मैंने अभी बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन y एक्सिस, जब दो पॉइंट y एक्सिस पे तो उनका डिस्टेंस कितना निकलता है,
वाई टू माइनस वाई वन, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए वाई टू माइनस वाई वन, ये डिस्टेंस यहाँ पे आया और सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये ए बी इस ट्राइंगल का इसको सी कह लो ना, तो आप देख पाओगे पाइथागोरस थ्योरम होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है ए बी, लिख दो तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आ रहा है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, बेस तो एक्स टू माइनस एक्स वन ही है लेकिन बेस का स्क्वायर करना, स्क्वायर लगा दो। अब आपको क्योंकि एबी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी का स्क्वायर नहीं निकालना, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू ये चीज पूरी पूरी क्वांटिटी अंडर रूट में और एक्स वाले को पहले लिख दो, तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है आज का कंप्लीट होता है सर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को आप ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको ढंग से रट लेना, याद कर लेना है ना, याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा किताबों में इसको एक तरीके से और दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन लिया मैंने, यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन लिया, अगर हम एक्स वन माइनस एक्स टू लेते हैं तो हमें यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू लेना पड़ता, तो उस केस में फॉर्मूले में ये चेंज आता, मतलब इसकी जगह पे जो है आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन को ना आप एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान रहे अगर यहाँ पे वन माइनस टू करोगे तो वाई में भी आपको वही करना पड़ेगा वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे वन माइनस टू किया तो यहाँ पे टू माइनस वन कर दे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एक्स एक्सिस पे हुआ तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना हो तो ओरिजिन तो जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा, ये क्या है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई से डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। एंड अगेन अगर दो रैंडम पॉइंट हवा में लटक रहे हैं ना दो पॉइंट, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। चलिए आज के वीडियो में हम इसको इतना रखेंगे, बाकी आने वाले वीडियोस में हम जो है इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। टिल दैट ये वाला पूरा कंप्लीट कर लेना और अच्छे से रिविजन